दीनदयाल उपाध्याय ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, ऐसा वक्तव्य महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। इस वक्त उन्होंने आगे कहा कि उनके विचार समाज के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायी है। शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर नागपुर नगर निगम ने महात्मा आई फाउंडेशन के सहयोग से पीड़ी गर्ल्स हाई स्कूल सीताबड़ी में निःशुल्क मेयर नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर वो बात कर रहे थे। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, धर्मपेट जोन के सभापति सुनील हिरनवार, नसुपुरा ट्रस्टी के वरिष्ठ पार्षद संजय बांगले, पार्षद रूपा रॉय, उज्ज्वला शर्मा, निगम के अतिरिक्त सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी भी मौजूद थे। इस दौरान बात करते हुए महापौर ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के आधार पर प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। महापौर ने कहा कि योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए नागपुर शहर में आजादी 75 के तहत 75 नेत्र जांच शिविर लगाए जाएंगे। इसी के तहत भिड़े गर्ल्स हाई स्कूल सीताबड़ी वार्ड 15 में शनिवार को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नागपुर नगर निगम द्वारा 75 नेत्र जांच शिविर, 75 दंत चिकित्सा जांच शिविर और 107 स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कुल 275 शिविर आयोजित किए जाने हैं। साथ ही मेयर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, इनकी आज जयंती है और उसके पावन प्रसंग पर आज यहाँ बरेली में महापौर नेत्र ज्योति शिविर के अंतर्गत नेत्र चिकित्सा के दृष्टि से लोगों की आंखों की जांच का कार्यक्रम रखा गया है। पंडित जी का मूल विचार है एकात्म मानववाद, और एकात्म मानववाद को प्रचारित करने के लिए पंडित जी का संपूर्ण जीवन गया। जिस समय विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों की लड़ाइयों को लड़ रहा था और दोनों से ही विश्व का कल्याण नहीं हो रहा था, ऐसी अवस्था में विश्व के कल्याण की दृष्टि से एकात्म मानववाद की विचारधारा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अपने जीवन में रखी और उसी एकात्म मानववाद की विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है जनसंघ के जमाने से आज तक। एकात्म मानववाद का अर्थ यह होता है कि ये संपूर्ण समाज जो है ये एक कड़ी में जुड़ा हुआ है, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, एक संखल में जुड़ा हुआ है। इसमें से अगर एक भी कड़ी कमजोर रही तो संखल वहाँ से टूट जाती है। अर्थात इस संखल को मजबूत करना है तो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को ताकतवर बनाना आवश्यक होगा, और इसलिए अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब जाकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः की भावना परिपूर्ण होगी, सर्व मंगल मांगल्य की संकल्पना पूर्ण होगी। इस दृष्टि से पंडित जी का जीवन रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।